इसके बाद आपका जो है वो है आपका नॉमेनक्लेचर, आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, वो आपको थोड़ा सा बताना है कि टैक्सा कैसे बनते हैं, इसके अलावा आपके ऑर्डर कैसे बनते हैं, फैमिलीज कैसे बनती हैं, इन सब के बारे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उसके अलावा आप कुछ टर्म्स ऐसे पढ़ेंगे, नियो टाइप क्या है, होलो टाइप क्या है, सिन टाइप क्या है, ये टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स भी जो टर्म हम यूज कर रहे हैं ये हार्बेरियम के लिए यूज कर रहे हैं। हार्बेरियम में जो हम स्पेसिमन बनाते हैं तो वो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, तो उनका नाम भी अलग होता है और ये शॉर्ट नोट्स में बहुत आता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि नेक्स्ट उसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उनके रूल्स एंड लॉज पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ पढ़ेंगे आपका हार्बेरियम बनाने की टेक्निक, हार्बेरियम कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हार्बेरियम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इंडियन हार्बेरियम कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल हार्बेरियम कौन कौन से हैं, और आप अपना हार्बेरियम कैसे प्रिपेयर करोगे, क्योंकि आप लोगों को एक हार्बेरियम प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अभी 3 बच्चे देख रहे हैं और आ गए होंगे अनुभव, सुहानी आते हैं, ये लोग आ रहे होंगे, और उसके बाद हम शुरू करते हैं इग्नर एंड प्रिंटर। तो इग्नर, सृष्टि, पिंकी, मेघना, इग्नर का जो क्लासिफिकेशन था वो आप देख रहे हैं, कल हम लोगों ने इससे पहले स्लाइड डिस्कस की थी। इससे पहले स्लाइड में आपने देखा था, सबसे एंड में आप देख रहे हैं मोनोकॉट हैव बीन डिवाइडेड एंड क्लासिफाइड इनटू 11 ऑर्डर्स, 45 फैमिलीज, एंड डायकॉट डिवाइडेड इनटू 44 ऑर्डर्स एंड 261 फैमिलीज। अब इसको आगे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि प्लांट किंगडम को इन्होंने नाम दिया था स्पर्मेटोफाइटा या एम्ब्रायोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा स्पर्म जिसमें बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, वो हो गया स्पर्मेटोफाइटा, और जिसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है एम्ब्रायोफाइटा। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में भी होता है और एंजियोस्पर्म में भी होता है। जिम्नोस्पर्म में आपने पढ़ा था पाइनस में पॉली एम्ब्रायोनी होती है, इसका मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है। अब इसमें आप देख रहे हैं इन्होंने जिम्नोस्पर्म को क्लासिफाई किया है 7 ऑर्डर्स में, साइकेडोफिलिकेन्स, फिर है साइकेडेन्स, फिर वेनिटेल्स, गिंको एल्स, कोनीफरेल्स, गॉडिटेल्स एंड नीटेल्स। ये आप 7 ऑर्डर्स देख रहे हैं। तो जो पहला वाला ऑर्डर है ये अगर आप देखेंगे, आपने पिछले साल पढ़ा था पर ये आपके कोर्स में नहीं है बाय द वे, पर इसमें क्या होता है कि इनके करेक्टर्स जो होते हैं ये फर्न की तरह के होते हैं, फर्न से रिजेंबल करते हैं विद जिम्नोस्पर्म। फिर साइकेडोफाइल्स में आपने पढ़ा था साइकस, साइकस का प्लांट आपने देखा था पाम जैसा होता है, छोटा सा होता है, इसमें मेल कोन, मेल प्लांट और फीमेल अलग अलग होते हैं। आपको बताया भी था कि आपके कॉलेज में एक प्लांट लगा हुआ है साइकस का, तो ये साइकस आपने पढ़ा था। फिर ये आपके कोर्स में नहीं था वेनेटेल्स, गिंको एल्स भी नहीं था, गिंको बायलोवा पाया जाता है इसमें, ये कुछ इसमें से लिविंग जेनरा है और कुछ एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो ये है गिंको एल्स जो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। कोनीफेरेंस आपने पढ़ा था, कोनीफेरेंस में आपने पढ़ा था पाइनस, पाइनस में आपने कोनी मीन्स होता कोन, कोन के शेप के ये प्लांट होते हैं कोनीफेरेंस और पाइनस, इसमें आपने पढ़ा था, पाइन भी कहते हैं। फिर कॉडिटेल्स, नीटेल्स, ये सारे इन्होंने क्लासिफाई किए थे इग्नर ने और पेंटल ने जिम्नोस्पर्म में। फिर आते हैं एंजियोस्पर्म, क्योंकि इस साल आपको एंजियोस्पर्म पढ़ना है, तो एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट में इन्होंने 11 ऑर्डर थे 45 फैमिलीज के, डायकॉट में 44 ऑर्डर्स थे और 261 फैमिलीज थी। अब मोनोकॉट को इन्होंने अगेन डिवाइड नहीं किया था, जबकि डायकॉट को इन्होंने अगेन डिवाइड किया था ए आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी में 33 ऑर्डर्स थे और मेटाक्लेमाइडी में 11 ऑर्डर्स थे, तभी तो 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44, तो टोटल 44 ऑर्डर्स थे। तो ये सिंपलेस्ट इनका क्लासिफिकेशन है।
आपको अगर क्लासिफिकेशन लिखना है या आपके कोर्स में आता है, एग्जाम्स में आता है, तो उसमें आपको पूरा नहीं लिखना होता है। मान लीजिए आपके पास 45 फैमिलीज हैं, तो आप 45 फैमिलीज को नहीं डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। और ये क्वेश्चन मान लीजिए 10 नंबर का भी आता है, तो आप इसके लिए आधा घंटा दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो आधे घंटे में 45 फैमिलीज इसकी और 261 फैमिलीज इसकी डायकॉट की आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन में आप खाली ये जो है आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, इतना ही दिखाओगे, इतना ही लिखोगे, ये जरूर लिखोगे कि मोनोकॉट में 11 ऑर्डर्स है, 45 फैमिलीज है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कुछ मेरिट और डिमेरिट्स हैं इनकी, इग्नर की और पेंटर की। जैसे पहला इनका पॉइंट है, द चीफ मेरिट लाइज इन द ब्रॉड ट्रीटमेंट ऑफ द एंटायर प्लांट किंगडम। इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को लिया है। एक तो इन्होंने आपने देखा है, पहले बताया था, एल्गीज को भी क्लासिफाई किया है, साथ में इन्होंने क्या किया है, जिम्नोस्पर्म को भी क्लासिफाई किया। ज्यादातर इससे पहले जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़े थे उसमें उन्होंने खाली स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया था, एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया था, पर इन्होंने यहाँ पे एल्गीज को भी किया है। और कहीं कहीं पे इन्होंने, देख लीजिए अभी आपने देखा था कि जिम्नोस्पर्म को भी इन्होंने क्लासिफाई किया था। फिर सेकेंड पॉइंट है, इट गिव्स एन एक्सेलेंट इलस्ट्रेशन एंड फाइलोजेनेटिक अरेंजमेंट ऑफ मैनी ग्रुप्स। इन्होंने एक तो फाइलोजेनेटिक अरेंजमेंट लिया था, देख लीजिए फाइलोजेनेटिक अरेंजमेंट लिया था, साथ में इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन को भी बेस बनाया था। नेचुरल जैसे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है, फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हो, जेनेटिक्स में आप पढ़ते हो सेल के बारे में, तो उन कैरेक्टर्स को भी इन्होंने लिया था, तो ये भी इनका एक पॉजिटिव पॉइंट था। फिर ज्वाइनिंग अप द पॉलीपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी इनटू आर्किक्लेमाइडी। अब इन्होंने क्या कर दिया था, पॉलीपेटली जो बेंथम होकर ने बिल्कुल अलग रखी थी और मोनोक्लेमाइडी जो बिल्कुल अलग रखी गई थी, पॉलीपेटलस में उन्होंने ऐसे फ्लावर्स लिए थे जिनमें पेटल्स खुले हुए होते हैं, पेटल्स अलग अलग होते हैं, और मोनोक्लेमाइडी में उन्होंने इसको रिड्यूस कर दिया था। रिड्यूस कर दिया था मतलब सारे करेक्टर्स कैलिक्स नहीं है, करोला नहीं है, कुछ कुछ करेक्टर्स एबसेंट थे, तो उन्होंने क्या कर दिया है, इन दोनों को एक साथ आर्किक्लेमाइडी में रख दिया। आर्किक्लेमाइडी एक ग्रुप बनाया, उसमें उन्होंने पॉलीपेटली को और मोनोक्लेमाइडी को रख दिया, तो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया क्लासिफिकेशन। फिर ऑर्किडेसी इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डायकॉट बिकॉज दे आर स्लाइटली इवॉल्व। ऑर्किडेसी में ऑर्किड्स आते हैं, ऑर्किड के बारे में आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो वैसे पहले आपके कोर्स में था, अब इसको हटा दिया गया है। ऑर्किडेसी की बात करें तो ये इपिफिटिक प्लांट्स होते हैं। इपिफिटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर हैंग करते हैं, उनके ऊपर ग्रो करते हैं। ऑर्किड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऑर्किड यहाँ यूपी में तो नहीं होता है, आसाम में होता है, और जहाँ पे ये आसाम साइड में जो ये लोअर हिमालय है यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, अपर हिमालय में भी पाए जाते हैं, पर वहां तो ऑर्किड ऐसी जो है, ऑर्किड है, ऑर्किड को इन्होंने डायकॉट से भी ज्यादा इवॉल्व रखा है। इन्होंने इस क्लास को बताया है कि ये डायकॉट से भी ज्यादा इवॉल्व है, तो इन्होंने इसको स्लाइटली इवॉल्व होने की वजह से एंड में, डायकॉट के आखिर में रखा है। तो ये आपके कोर्स में है नहीं, थोड़ा सा रेफरेंस दे देंगे, पहले ये आपके एनाटॉमी में था, मॉर्फोलॉजी में था। आपने देखा है कभी अगर आप जाएं घूमने के लिए तो आप आसाम वगैरह जाएंगे तो वहां पे बॉटनिकल गार्डन में देखेंगे कि ये हैंगिंग प्लांट होते हैं, प्लांट के ऊपर टांग दिए जाते हैं। इसमें रूट जो होती है वो सॉइल के अंदर नहीं होती है, मिट्टी के अंदर रूट नहीं होती है, रूट जो होती है हैंग करती है, खुले एटमोसफेयर में रहती है, लटकती रहती है हवा में, और हवा से ही वो अपना ह्यूमिडिटी मतलब वाटर, गैसेस और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो इसको इन्होंने डायकॉट में सबसे ज्यादा इवॉल्व माना है। फिर आगे देख रहे हैं आपने जिमेकेसी, इरिडेसी, एमआरआईडीएसी पेस्ट इनटू फिलिक, क्लोज टू फिलिकेसी। फिलिकेसी जो है ये प्रिमिटिव है। फिलिकेसी के करेक्टर्स जो होते हैं ये फर्न की तरह के होते हैं, तो उन्होंने इन मेंबर्स को फिलिकेसी के पास रखा है। फिर इन्होंने देखिए जिम्नोस्पर्म ट्रीटेड सेपरेटली इन द सिस्टम।
जिम्नेस्वम को एकदम सेपरेट रखा है, अलग रखा है। वो तो आपने इससे पहले देखा ही है, ठीक है, आपने इससे पहले देखा था कि जिम्नोस्पर्म सबसे पहले रखे गए थे और बेंथम हुकर ने क्या किया था, जिम्नोस्पर्म को सेंटर में रख दिया था जो उनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। तो ये इनके पॉजिटिव पॉइंट है जिसमें आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर डिमेरिट में आप देख रहे हैं द यूनियन ऑफ क्लोरी पेटली एंड ऑपिटेली इज इम्पॉर्टेंट ओवर द बेंथम हुकर्स क्लासिफिकेशन बट इन अदर रिस्पेक्ट नॉट सो। इट इज द सिस्टम दैट फार कैरी फ्रॉम द सेलिक्स और बटरकप। अब ये जो टर्म है ये आपने नहीं पढ़े हैं, सेलिक्स एंड बटरकप, ये एक तरह के मॉडिफिकेशन है। जब फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर का जो आप नॉर्मल एक स्ट्रक्चर देखते हैं, एक नॉर्मल फ्लावर देखते हैं, तो अगर हम बात करें गुड़हल की, गुड़हल आप देखते हैं, गेंदा देखते हैं, गेंदे में भी बहुत वैरायटी है। गेंदा जो पूरा एक फ्लावर देखते हैं वो फ्लावर नहीं है बल्कि इन्फ्लोरेसेंस है, वो पूरा गुच्छा है, उसमें हजारों फूल होते हैं। और फूल भी दो तरीके के होते हैं, जो सेंटर में फूल होते हैं गेंदे में वो कहलाते हैं डिस्क फ्लावर, और जो चारों तरफ येलो कलर के होते हैं उन्हें कहते हैं रेस, RAY, रेस फ्लावर होते हैं। तो वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। तो आपने यहाँ क्या देखा, हम लोग कहते हैं गेंदे का फूल, गेंदे का फूल नहीं है, पूरा गेंदे का गुच्छा है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि किस किस तरह के अडेप्टेशन मिलते हैं फ्लावर में। तो ये सेलिक्स जो है ये और बटरकप ये भी एक तरह का अडेप्टेशन है, ये आपको हम बाद में बताएंगे जब टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं एमेंटी सेरी एंड सेंट्रोस्पर्मी आर प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ डायकॉट इवन बिफोर रेनेज। ये इनकी डिमेरिट है क्योंकि आज तक जितने क्लासिफिकेशन है, जितने टैक्सोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने रेनेज को सबसे पहले रखा है, सबसे ज्यादा प्रिमिटिव माना है क्योंकि इसमें एक्वाटिक हैबिट्स पाई जाती हैं। पानी में ये ग्रो करता है, पानी के बाद कुछ इसकी स्पीशीज है जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, बाकी ज्यादातर इसमें एक्वाटिक स्पीशीज होती है। और इसके अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और आप मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो बहुत प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव प्लांट की तरह की है। इसको सबसे पहले रखा जाता था पर इन्होंने इनके बाद इसको रखा है, इसका मतलब एमेंटिफेरिया एंड सेंट्रोस्पर्मी से ज्यादा एडवांस रेनेज है। पर ऐसा लोग मानते नहीं है, टैक्सोनॉमिस्ट नहीं मानते, तो ये भी एक इनका करेक्टर जो है, ये भी एक इनकी डिमेरिट है। फिर द फोलिया नेचर ऑफ कार्पल इज सेटल ऑन द प्रिमिटिवनेस ऑफ कैरियोफिली विद द टू वर्स ऑफ बैरियर। फोलिया मीन्स होता है पत्ती, फोलियर मीन्स होता है पत्ती, कार्पल मीन्स होता है गाइनेशियम या ओवरी की बात करें। फोलियर नेचर पत्तियों के ऊपर अगर कार्पल पाया जाता है तो ये प्रिमिटिव करेक्टर है। ये करेक्टर आपने कहाँ देखा था, पत्तियों के ऊपर कार्पल आपने देखे थे टाइडोफाइटा में। जब टाइडोफाइटा की बात करते हैं, फर्न की बात करते हैं, तो फर्न के बारे में आपने देखा था जो आपके कोर्स में नेफ्रोलिपिस एडियंटम है आपके कोर्स में, तो ये दोनों जब आपने पढ़े थे तो इसमें आपने देखा था पत्ती के पीछे की तरफ जब आप देखते हैं तो ब्लैक ब्लैक डॉट लगे होते हैं, उन ब्लैक डॉट को कहा जाता है सोराई। सोराई के अंदर होते हैं मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, जिसमें मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है, मतलब फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनते हैं। तो फोलियम में पत्ती के ऊपर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनते हैं तो ये प्रिमिटिव करैक्टर, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक करैक्टर लिया था और इसमें इन्होंने कैरियोफिलेसी, जो कैरियोफिलेसी हम उनके मोनोकॉट पे रखी जाती है, एडवांस करैक्टर में रखी, डायकॉट के एंड में रखी जाती है, इन बिटवीन डायकॉट एंड मोनोकॉट, उनको इन्होंने पहले रख दिया था। तो ये भी इनकी एक डिमेरिट है। तो ये था इग्नर का और पेंट्रिल का क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद आते हैं कॉन्क्रस। कॉन्क्रस का क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में बहुत कम ब्रीफिंग है, मतलब कम में है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो इनका एक जर्नल आप देख रहे हैं, कॉन्क्रस सिस्टम इज टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज वॉज डेवलप्ड बाय आर्थर कॉन्क्रस इन द सीरीज ऑफ मोनोग्राफ एंड टेक्स्ट इंक्लूडिंग द एवोल्यूशन
and the classification of flowering plant 1968. इनका सेकंड एडिशन था 1988, ज्यादा पुराना नहीं है, 1988 का है इनका सेकंड एडिशन. पहला एडिशन था 1968 और उसके बाद इन्होंने एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 1981 में दिया था. इंटीग्रेटेड मीन्स होता है इन्होंने कई सारे अपने जो क्लासिफिकेशन बनाए थे उनको इन्होंने एक साथ जोड़ करके एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन दिया था 1981 में. और मोनोग्राफ का मतलब होता है, ये आपको बताया था जैसे बेंथम हुकर ने की दिया था, एक की सिस्टम दिया था कि उन्होंने कहा था कि आपको अगर ऊपर जाना है, इवॉल्व होना है या डाउनवर्ड जाना है, प्रिमिटिव में जाना है, प्रिमिटिव में जाएंगे तो सीढ़ी से उतरेंगे, इवॉल्व में जाएंगे तो सीढ़ी से चढ़ेंगे. तो चढ़ना उतरना जो था वो उन्होंने की के फॉर्म में दिया था कि जैसे ताला खोलता है, चाबी खोलती है ताले को, तो वैसे ही वो जो की थी वो एक के बाद एक चीज को खोलती जा रही थी. जैसे प्लांट किंगडम को खोला, फिर उसने खोला मोनोकॉट डायकॉट को, फिर मोनोकॉट डायकॉट के बाद उसने खोला पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली, कैल्सिफ्लोरी, या इस तरह से खोलते चले गए. तो आप धीरे धीरे कंक्लूड करके एकदम एक्यूरेट पॉइंट पे आ जाते थे कि ये किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, किस जनरा को बिलोंग कर रहा है और किस स्पीशीज का है. जब आप ऊपर से नीचे तक पहुंच जाते हो या नीचे से ऊपर तक पहुंच जाते हो तो आपके पास एकदम एक्यूरेट नॉलेज होती है. ये एक्यूरेट नॉलेज दी थी आपके इन्होंने बेंथम एंड हुकर ने. तो बेंथम हुकर ने उस तरह से दिया था और इन्होंने मोनोग्राफ बना के दिए थे, टेक्स्ट एंड मोनोग्राफ. तो इस तरह से इन्होंने अपने सिस्टम को दिया था. कांग्रेस जो थे ये 1919 से लेके 1992 तक थे, अभी तक थे, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है. 1919 से लेकर के 1992 तक नॉर्थ अमेरिकन बॉटनिस्ट और इनकी स्पेशल फील्ड थी कंपोजिटी. अभी हम लोग कंपोजिटी की बात कर रहे थे, कंपोजिटी का पुराना नाम है, जैसे अभी नया नाम, हेलो, गेंदे की फैमिली का नाम है एस्टरेसी, एस्टरेसी. तो कंपोजिटिव फैमिली के बारे में जब हम बात करते हैं तो कंपोजिटिव पुराना नाम है, नया नाम है इसका एस्टरेसी. इसमें आपकी गेंदे की फैमिली आती है, सूरजमुखी, गेंदा, डहेलिया, ये सारे फ्लावर आते हैं, जरबेरा, जीनिया, ये सारे फ्लावर कंपोजिटिव में आते हैं. तो इनका स्पेशलाइजेशन था कंपोजिटिव फैमिली पे. आपको अभी बताया था कंपोजिटिव फैमिली बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स फैमिली है क्योंकि उसका फ्लावर जो होता है पूरा गुच्छे जैसा होता है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया था. फिर इन्होंने जो अपने सिस्टम में बेसिस सिस्टम को लिया था, ये एक नेचुरल सिस्टम था, ये पैरेलल सिस्टम था बेंथम हुकर के समय में, और इस सिस्टम को इन्होंने अपने बेस बनाया था, इसको बेस लेकर के इन्होंने अपने काम को किया था. फिर द कॉन्फ्लेक्स सिस्टम डिवाइड फ्लावरिंग प्लांट इंटू टू ग्रुप्स, मैग्नोस्पिडा डायकॉट और लैलिपसिडा मोनोकॉट. इन्होंने देखिए यहाँ पे दिया है डायकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स, इन्होंने दो चीजों में. अब यहाँ पे भी डायकॉट में इन्होंने ज्यादातर जो प्लांट लिए थे वो ट्रीज थे. मैग्नोस्पिडा जो है ये डायकॉट में होता है और ये ज्यादातर ट्रीज होते हैं, एनुअल्स होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं. और इसमें आपको मोनोकॉट मिलेगा और सीजनल प्लांट मिलेंगे, स्मॉल प्लांट मिलेंगे. तो ये इनका क्लासिफिकेशन था, ये इनका पूरा सिस्टम वाली बुक थी, ये इन्होंने पब्लिश की थी. ठीक है, फिर इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आता है कांग्रेस के बाद वो है अर्मियन टैक्साजन. ये एक बॉटनिस्ट हुए हैं जिन्होंने पेलियोबॉटनिस्ट हुए हैं, पेलियोबॉटनी पे काम किया है. ये रशियन थे, रशिया के थे. तो इन्होंने जो काम किया है, इनका जो वर्क है वो इन्होंने बेस तो बहुत सारे लोगों को लिया है, नेचुरल क्लासिफिकेशन को लिया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को लिया, पर सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो काम था वो था पेलियोबॉटनी पे. पेलियोबॉटनी का मतलब होता है फॉसिल्स प्लांट, फॉसिल प्लांट के बारे में इन्होंने काम किया. जैसे आप हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ लखनऊ में बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी है. तो बीरबल सानी रेनाउंड ग्लोबल, उसमें उनको माना जाता है, बहुत बड़े वो
पेलियो बॉटनिस्ट हुए हैं और उन्होंने लखनऊ में सबसे पहले बॉटनी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया जिसे कहते हैं बीरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी। इन्होंने गोंडवाना जो वेजिटेशन थी गोंडवाना फील्ड के ऊपर काफी काम किया है। आपको बताया था शायद एक बार कि जो हमारा ग्लोब है वो अभी आपको दो ग्लोब दिखाई देते हैं, पहले इस तरह से नहीं थी ये ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन था ऐसा नहीं था, पहले पेनिनसुलर और गोंडवाना दो हिस्से थे अप एंड डाउन। तो हम लोगों का जो भारत था वो जुड़ा हुआ था साउथ अमेरिका से और अफ्रीका से, और ऊपर का हिस्सा जो था वो पेनिनसुलर वो ऊपर का हिस्सा कहलाता था। तो जो हमारे यहाँ के बीरबल सहनी है उन्होंने गोंडवाना वेजिटेशन पे गोंडवाना फॉसिल्स पे काम किया और इतना इंपॉर्टेंट काम है कि उसके बाद उस तरह का काम किसी ने किया नहीं। उन्होंने बहुत सारे फॉसिल्स कलेक्ट किए हैं, फॉसिल्स के बारे में बताया है। कभी आप अगर बीरबल सहनी इंस्टीट्यूट पेलियोबॉटनी जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनका कितना सारा कलेक्शन कितना सारा वर्क है। एशिया में ये पहला माना जाता है, हमारा जो बीरबल सहनी इंस्टीट्यूट है उसको एशिया में पहला माना जाता है जिसने फॉसिल प्लांट पे काम किया। तो जो ये थे बॉटनिस्ट ये 20th सेंचुरी के थे, ये बॉटनिकल गार्डन लेनिनग्राद में USSR में काम करते थे। इन्होंने वहां पे एक अपना क्लासिफिकेशन डेवलप किया, तो इस क्लासिफिकेशन को आप यहाँ पे देखेंगे दिस फर्स्ट अटेम्प्ट मेड द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन अप टू द ऑर्डर ऑफ हायर प्लांट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ वेनेशियम एंड प्लेसेंटेशन। अब इन्होंने देखिए पैलियो बॉटनी पे काम किया है, पैलियो बॉटनिकल आस्पेक्ट लिया है एवोल्यूशन का, पर इन्होंने साथ में क्या किया है स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ गाइनेशियम एंड प्लेसेंटेशन। अगर प्लेसेंटेशन गाइनेशियम की बात करें तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन में लिया गया है। बेंथम एंड हुकर ने गाइनेशियम और प्लेसेंटेशन को बहुत एम्फेसिस दिया है। गाइनेशियम ओवरी, ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें बीज किस तरह से लगे होते हैं, बीजों का अरेंजमेंट, बीज जो लगे होते हैं उनको प्लेसेंटेशन कहते हैं, तो ये आप इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं आफ्टर 12 ईयर इन 1954 द एक्चुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज पब्लिश्ड इन द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्मस प्लांट, और इसे रशियन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था ये, क्योंकि ये जो तख्ताजान थे ये रशियन थे। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था एंजियोस्पर्मस प्लांट का, एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट का, वो रशियन में था। बाद में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ 1958 में और उसके बाद उसका नेक्स्ट एडिशन आया 1964 में, क्योंकि रशियन लैंग्वेज सब पढ़ नहीं पाते थे, रशियन सब नहीं जानते थे, इसलिए इसका ट्रांसलेशन किया गया। इन्होंने 54 में दिया था 1954 में और 58 में इसको ट्रांसलेट किया गया और 64 में इसको दोबारा से पब्लिश किया गया। जब इंग्लिश लैंग्वेज में आया तब इसको इसके बारे में लोगों ने जाना और इसको पढ़ना शुरू किया। पहले रशियन में था तो लोग नहीं जानते थे रशियन के बारे में। आपने अभी जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं उन्होंने मेंडलीव के बारे में पढ़ा, पीरियोडिक टेबल, वो भी रशियन थे। बाद में वो टेबल जो थी वो ट्रांसलेट हुई थी इंग्लिश में। तो इस तरह से इन लोगों का वर्क था रशियन में। और उसके बाद इन्होंने सिंथेटिक इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन दिया था। सिंथेटिक डार्विन की फिलोसफी आप जानते हैं, उनके दो मेन पॉइंट है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। तो ये चीजें इन्होंने देखी थी। तो ये जब किसी भी चीज में आगे बढ़ा जाता है तो पुराने रेफरेंसेस लिए जाते हैं। जब हम कोई नया काम करते हैं तो एकदम से नहीं शुरू कर पाते हैं, अगर करते भी है तो हमको थोड़े से प्रमाण चाहिए, अपनी बात कहने के लिए प्रमाण चाहिए होते। तो उन प्रमाणों के लिए हमें अपने अपने काम को ऑथेंटिक बनाने के लिए पुराने रेफरेंसेस को लेना पड़ता है, पुराने साइंटिस्ट के काम को लेना पड़ता है। तो इन्होंने डार्विन की फिलॉसफी को फॉलो किया। फिर आप देख रहे हैं द क्लासिफिकेशन वॉज पब्लिश्ड इन फ्लावरिंग प्लांट ओरिजिन ऑफ डिस्पर्सन 1969 इन द इंग्लिश लेटर इन 1980। मतलब लगातार इसके नए नए वर्जन आते जा रहे हैं और पब्लिश होते जा रहे हैं। ये पब्लिश हुआ है बॉटनिकल रिव्यू में।
ये जर्नल है बॉटनिकल रिव्यू, उस पर पब्लिश हुआ है। तो इस तरह से इन्होंने क्लासिफिकेशन, अब इनका क्लासिफिकेशन आप यहाँ देख रहे हैं, डिवीजन है, ये क्लास है, फिर आप यहाँ पे सब क्लासेस देख रहे हैं, फिर ऑर्डर्स देख रहे हैं। ये एंजियोस्पर्म है, फिर डायकॉट है, एंजियोस्पर्म को डायकॉट मोनोकॉट में डिवाइड किया, फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं इनके क्लासिफिकेशन सब क्लासेस के, और उसके बाद आप यहाँ पे ऑर्डर देख रहे हैं। ये आपके कोर्स में बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए आपको सिर्फ एक सिंपली देखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, और कुछ नहीं। ये हम आपको पढ़ाएंगे भी नहीं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये सब क्लासेस हैं, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो बेल्थम हो करता है। फिर मैरिट क्या थी तत्थाजान की, द क्लासिफिकेशन ऑफ तत्थाजान इज मोर फाइलोजेनेटिक देन दैट ऑफ द अर्लियर सिस्टम। ये तो नेचुरल है, जब इन्होंने अभी 1954 में दिया है क्लासिफिकेशन, तो ये तो अर्लियर होगा ही, ये फाइलोजेनेटिक और ज्यादा कैरेक्टर्स मालूम पड़ गए होंगे, क्योंकि उतने दिनों में और इवोल्यूशन हुआ होगा, और ज्यादा चीज इवॉल्व होगी। इवॉल्व जो होता है, इवोल्यूशन जो होता है, वो एक दिन का काम नहीं होता है, कि आपने कल कोई चीज देखी और आज देखेंगे तो आपको उसमें परिवर्तन दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। सालों लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब कोई आपको करेक्टर दिखाई देता है। तो इनका क्या, जैसे आपने और सब देखे थे वो 1800 में हुए थे, इनका 1954 का है, तो 1954 का है, तो ये बहुत रीसेंट क्लासिफिकेशन है, इसलिए इसमें बहुत सारे फाइलोजेनेटिक करेक्टर्स शामिल कर लिए गए थे। फिर दिस क्लासिफिकेशन इज इन अ जनरल एग्रीमेंट विद द मेजर कंटेम्पररी सिस्टम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट गैलगन थ्रोन एंड अदर्स। इनके जो क्लासिफिकेशन है, तो ये जो इनके साथ के पैरेलल वर्कर्स थे उनके साथ के क्लासिफिकेशन से एग्री करते थे, एग्रीमेंट मतलब ज्यादातर अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि एक क्लासिफिकेशन दूसरे क्लासिफिकेशन से बहुत ज्यादा एग्री नहीं कर रहा है। जैसे अगर कोई इंग्लैंड में क्लासिफिकेशन बना है तो वो जर्मन क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, या दोनों एक दूसरे के क्लासिफिकेशन में कहीं ना कहीं डिसएग्री है, वो लोग मान नहीं रहे हैं। पर इनके क्लासिफिकेशन में देखा गया कि इनके पैरेलल जो भी क्लासिफिकेशन आए वो एक दूसरे को एग्री कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब सपोर्ट मिलता है बहुत सारा तो वो ऑथेंटिक वर्क माना जाता है। हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं तत्थाजान के क्लासिफिकेशन को, पर एडवांस स्टडीज में, अब रशियन तो पढ़ते ही होंगे ना तत्थाजान को, क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन है, हम नहीं पढ़ते हैं, हमारा क्लासिफिकेशन नहीं है वो। अब हमारे यहाँ तो क्लासिफिकेशन कोई पुराना है भी नहीं, लखनऊ का फ्लोरा है, लखनऊ के 10 मिनट बचे हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब लखनऊ के फ्लोरा के बारे में डॉक्टर एस के जैन थे, उन्होंने काम किया, डॉक्टर एस एल कपूर थे, एनबीआरआई में बहुत बड़े, वो हार्वेरियम पे उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने पूरे लखनऊ के फ्लोरा ऑफ लखनऊ, उन्होंने एक पेपर छापा है जिसमें उस जमाने के, जिस जमाने के वो थे 60s 70s के फ्लोरा के बारे में, लखनऊ के फ्लोरा के बारे में बात करी। तो इंडिया का कोई ऐसा नहीं है ज्यादा, सारे रीजन्स में, प्रोविंस में, सिटीज में बटे हुए हैं, जैसे बंगाल में अलग फ्लोरा बना हुआ पूरा, और ज्यादातर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो अलग अलग जगहों के रीजनल फ्लोराज के बारे में बताते हैं, बनाते हैं और पब्लिश करते हैं। फिर आप देख रहे हैं नॉर्मन क्लेजर अडॉप्टेड इन द सिस्टम इज अकॉर्डिंग टू ICBN इवन एट द लेवल ऑफ डिवीजन। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉर्मन क्लेजर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमें पढ़ानी है, हम पढ़ाएंगे नॉर्मन क्लेजर इंटरनेशनल। यही तो अभी आप बात कर रहे थे कि हार्वेरियम में आपको ये सारी चीजें बनाएंगे, तो इन्होंने इसको भी अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये सिस्टम बहुत बाद में आया, बेंथम बुगर के बाद में आया, तो इसलिए इस सिस्टम को भी इन्होंने प्रॉपरली अडॉप्ट किया। फिर आप देख रहे हैं द ट्रीटमेंट ऑफ मैग्नोनियेसी इज अ प्रिमिटिव ग्रुप, ये आप देख रहे हैं, प्लेसमेंट ऑफ डाइक्लोजन मोनोकोटिलेडन एग्री टू, हाँ ये तो सबके में कॉमन है कि ये कैरेक्टर ज्यादा प्रिमिटिव है, डायकॉट बिफोर मोनोकॉट, डायकॉट से पहले उन्होंने मोनोकॉट को रखा है, तो
तो इसमें सभी कोई एग्री करता है, जबकि बेंथम मुखर ने उल्टा किया है, डाइकॉट को पहले रखा है, मोनोकॉट को बाद में रखा है। अब आप ये डिमेरिट्स देख रहे हैं, ये तो आपको पढ़नी है ऐसी डिमेरिट्स भी देख रहे हैं आप, ये आपको ऐसी आप देख लीजिएगा जनरल है, जो आपको भी डिस्कस कर रहे थे वही सब चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको इसके अलावा भेजेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इग्नर एंड पेंटर हचिंसन, एंड जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इग्नर एंड पेंटर हेलो ये जो है ये आपको हम भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा, समय कम है, ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और अभी जो हम पढ़ रहे थे उसमें आपको हम अभी भेज देंगे, ये स्लाइड पूरी भेजेंगे, ये स्लाइड्स पूरी भेजेंगे, इसके अलावा एक कंपैरेटिव स्लाइड भेजेंगे जिसमें इग्नर की है, पेंटर की है, बेंथम बुकर की है और हचिंसन की है, तीनों क्लासिफिकेशन का कंपैरेटिव स्टडी है, तो वो अभी हम आपको भेजेंगे। आज आपको हम क्लासिफिकेशन दे रहे हैं बेंथम, हुकर, इग्नर एंड पेंटर एंड हचिंसन, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेंथम, हुकर और उसके बाद हचिंसन। तो इसमें आप एक कंपैरेटिव स्टडी देख रहे हैं, ये भी आपको सेंड कर देंगे।